नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहराइच सड़क किनारे खड़े सात लोगों को ट्रैक्टर ने रौंदा, दो सगी बहनों की मौत। बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के हाड़ा बसेरी में सड़क किनारे खड़े सात लोगों को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। इस हादसे में नानपारा के कंटोहला गांव निवासी दो सगी बहनों की मौत हो गई। आपको बताते चलें कि इस हादसे में 18 वर्षीय खुशनुमा माँ की मौत हुई। 18 वर्ष से खुशनुमा का निकाह 12 मई को होना था, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई है। इसके साथ ही खड़ी खुशनुमा की छोटी बहन 10 वर्षीय काजमा की भी मौत हो गई है, जबकि 8 वर्षीय भाई जावेद एवं 50 वर्षीय पिता हबीबुल रहमान भी घायल हुए हैं। इस परिवार के साथ खड़े अन्य तीन और लोग भी, जिसमें रूपई डीहा निवासी 85 वर्षीय वृंदा घायल हुई हैं। साथ ही साथ रुपया के माधोपुरवा गांव निवासी पति पत्नी भी घायल हुए हैं। पुलिस द्वारा दोनों बहनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज बहराइच में चल रहा है। न्याज, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ईसापुरवा गांव थाना नानपारा। ये मृतक कौन है आपके दोनों? हमारी जो है भांजी है। क्या नाम है? खुशनुमा और काजमा। अच्छा, क्या हुआ, कैसे मौत हुई इनकी? उनका सर ऐसा हुआ कि हमारे भतीजे के घर पे शादी थी और जो है वो बच्चे लोग खाना खाने के लिए दावत में, हमने उनको दावत दिया था, जो है खाना खाने के लिए गए, खाना खा के आ रहे थे। फिर उसके बाद में जो है अपना वो हाड़ा जो चौराहा है वहाँ पे ये गन्ने का जूस पी रहे थे। फिर उधर से ट्रैक्टर आया, टेम्पू को बचाते बचाते बच्चे को जो है, बच्चे लोग के ऊपर उसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। कितने लोग पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर? चार लोगों को। कौन कौन? काजमा और खुशनुमा और उसका बाप का क्या नाम? हबीबुल रहमान जावेद। अच्छा, चार लोगों। कितनों की मौत हुई है? दो की मौत हो गई। शादी किसकी थी? शादी थी खुशनुमा की। अच्छा, कब थी इनकी शादी? 12 मई को उसकी शादी थी। मौके पर ही दोनों की मौत हुई है? नहीं सर, एक खुशनुमा की जो है वहाँ पे मौत हो गई थी और बाकी एक लड़की की यहाँ जिला अस्पताल बहराइच। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।